नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा इस चैनल डिजिटल इंडिया में आप सभी दोस्तों का। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप घर से ही पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, नए पैन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पैन कार्ड में करेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी पेपरलेस है दोस्तों। आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आपको डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है और ना ही आपको फ़ोटो वगैरह कुछ देना है, ये सीधे आधार से होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह पेपरलेस है और आपके आधार कार्ड के बेस पर ही आपका पैन कार्ड बन जाएगा। चाहे तो आप न्यू बनवा सकते हैं और अगर आपके पास है कुछ करेक्शन है तो आप करेक्शन करवा सकते हैं दोस्तों उसमें ऑनलाइन, और यह आपके एड्रेस पर आ भी जाएगा पोस्ट से। जी हाँ दोस्तों, बस इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी पूरी प्रोसेस बताऊँगा आज आपको कि कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपने मोबाइल या पीसी या पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप में हम गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम या जो भी आपके पास ब्राउज़र यूज़ करते हैं आप वो ओपन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको पूरी बेसिक से बताऊंगा दोस्तों। जैसे हम ये गूगल में हम टाइप करेंगे NSDL पेन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, NSDL पेन अप्लाई। देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मैं इस पे सर्च करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, और ये जो लिंक दिख रही है आपको दोस्तों, जी हाँ ये जो आपको लिंक दिख रही है, मैं आपको ये लिंक दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वाली जो लिंक है, जी हाँ, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये मैंने लिंक पर क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों, ये अप्लाई ऑनलाइन ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको और यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। जो आपको मैं इसका होम पेज खोलकर दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं आप। बस सिंपल आप ये आपसे जैसे जैसे जानकारी मांगता है आप वैसी वैसी इसमें फिल कर दीजिए, और वो भी अपने आधार कार्ड के हिसाब से। जैसे मुझे अगर न्यू बनाना है तो मैं न्यू पर क्लिक करूँगा, और यदि मुझे चेंज करना है तो ये चेंज पर क्लिक करूँगा दोस्तों। तो मैं आपको न्यू के लिए एक अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये न्यू पैन कार्ड पर हम इसमें न्यू पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे एप्लीकेशन टाइप में, और कैटेगरी में दोस्तों इंडिविजुअल आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ से टाइटल सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे हम नाम दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, नाम आप प्लीज़ वैसा ही लिखिएगा जैसा आपके आधार कार्ड में है। जैसे मैं आपको किसी भी नाम लिख लेता हूँ, ये देखिए दोस्तों, हमने ये फिल कर लिया है नाम वगैरह। अब इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में डेट ऑफ बर्थ हम फिल करेंगे। ज़ीरो एक ज़ीरो एक वन नाइन नाइन ज़ीरो, और यहाँ पर हम हमारी ईमेल आईडी डाल लेते हैं। कुछ भी ईमेल आईडी जो भी हो आपकी दोस्तों, आप आपकी ईमेल आईडी डाल सकते हैं इसमें। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ही आपका ओटीपी वगैरह आएगा और ईमेल आईडी पर ही आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह जनरेट होगा। जी हाँ, ये सब इतनी जानकारी आप फिल करने के बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पर डालना होगा। जी हाँ, ये जो कैप्चा है ये आपको यहाँ पर डालना होगा दोस्तों। ये मैं कैप्चा डाल देता हूँ यहाँ पर, सिक्योरिटी कोड SVQBP, और मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ।
अब ये हमें नेक्स्ट प्रोसेस पर ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है। जी हाँ, यहाँ पर हमें टोकन नंबर मिल गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो टोकन नंबर है इसे हम कॉपी कर लेंगे या नोट कर लेंगे, क्योंकि अब हमें आगे की जानकारी फिल करने के लिए ये टोकन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। जी हाँ, तो अब ये टोकन नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब ये नीचे जो आप देख रहे हैं, ये कंटिन्यू विथ पेन एप्लीकेशन फॉर्म, हम इस पर अब क्लिक करेंगे। ये आपने क्लिक किया इस पर, हम जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें हमारी डिटेल मांगेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें आधार कार्ड नंबर लिखना है, नेम है इस पर आधार लिखना है, और ये जो नाम है जो, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो हमने डाला था वो पहले ही आएगा, लेकिन आपको अगर आपसे पूछें दोबारा तो आपको वही मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और ईमेल आईडी भी वही वाली डालना पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सब कुछ कर लेना है, बस फादर लिखना है, मदर नेम को छोड़ देना है दोस्तों, और इसको नो ही रहने देना है। जब आप ये सब पूरी सारी प्रोसेस कर लेंगे तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एड्रेस वगैरह जो भी है आधार कार्ड में, अब पूरा फिल कर लेगा नहीं, वो एड्रेस जो भी है आपके आधार कार्ड में वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये चार और ये पांच स्टेप आपको क्लियर करनी है दोस्तों, और कुछ नहीं है, बस आपको ये पर्सनल डिटेल डालना है। जी हाँ, पर्सनल डिटेल डालने के बाद कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि आप हम पहले से फिल कर चुके हैं, और ये एवो कोड भी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा दोस्तों। और डॉक्यूमेंट डिटेल, यहाँ पे आपका आधार कार्ड आएगा, जिससे आपको ई सिग्नेचर करना पड़ेंगे आधार कार्ड की डिटेल द्वारा। तो ई सिग्नेचर कैसे होगा दोस्तों, जब आप लास्ट में फाइनल में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो उस पर आपको ई सिग्नेचर के लिए एक लिंक दिया रहेगा, मतलब ई सिग्नेचर के लिए एक टैब बनी रहेगी। तो आप सीधे ही ई सिग्नेचर पर क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, और आप मोबाइल का ओटीपी आप जैसे ही उस बॉक्स में डालेंगे, ई सिग्नेचर के लिए ओटीपी की वेरीफिकेशन बॉक्स में डालेंगे, तो आपका ई सिग्नेचर हो जाएगा और वहाँ पर लिखा आएगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन कम्प्लीट सक्सेसफुली। इसका मतलब कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और आपको एक रेफरेंस नंबर और या फिर एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे पैन कार्ड के एप्लीकेशन का क्या हुआ, कहाँ तक है, कब जनरेट होगा, कैसे जनरेट होगा। जी हाँ दोस्तों, बस दोस्तों इतना ही। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और प्लीज़ प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।